क्राइम टीम 39 सेक्टर को एक सूचना मिली थी कि सुबह गुजर के कुछ शार्प शूटर एक धनेला के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए आ रहे हैं, और उनको अगर काबू नहीं किया गया तो वो इस हत्या को करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस पे उन्होंने उपनिरीक्षक राजकुमार ने अपने नेतृत्व में एक रेडिंग पार्टी तैयार की और वहाँ उपलब्ध 2 बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी, जो नेतृत्व कर रहे थे टीम का दोनों लोगों ने और बाकी साथियों को साथ लेके तुरंत उन्होंने रेड की। वहाँ पे गए मौके पे थोड़ी सी देर बाद ही 3 युवक एक पल्सर मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आए, और जब उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वो बार बार फायर करते रहे, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए और इसमें उनके 3 जो ये मुजरिम थे उनको गोलियां लगी और घायल हुए, जिनको काबू किया गया। और पुलिस पार्टी में भी 2 लोगों को गोलियां लगी हैं जो घायल हुए हैं, एक एचसी सुनील है और एक एचसी अभिलाष है, उनको भी इंजरीज आई हैं। और बाकी भी जो राजकुमार सब इंस्पेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी उस पर भी फायर लगे हैं, लेकिन क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वो बच गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए, पुलिस को मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बड़ी बहादुरी का काम करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया और इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही उनको हमने गिरफ्तार कर लिया।